हेलो गाइस दिस इज़ आदित्य तेजोशी वेलकम बैक टू आवर चैनल हमने गूगल फॉर्म निकाला था और अब तो हमने अपनी वेबसाइट में भी एक सेक्शन दे दिया है जहां पे अगर आपको एमबीबीएस बी बी एब्रॉड की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं और हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स आपको गाइड करेंगे मैंने पहले ही आपको डिस्कलेमर दे दिया था मैं इस चीज़ के कोई पैसे नहीं लूँगा ना ही मेरी टीम आपसे कभी कोई पैसा मांगने वाली है मैं खुद एक एम बी का स्टूडेंट रह चुका हूँ सबसे पहले मैं फ़िलिपिनस गया था और वहाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ वहाँ मेरा मॉनिटरी फाइनेंशियल लॉसेज हुए वहाँ टाइम भी वेस्ट हुआ एफर्ट भी वेस्ट हुआ पेरेंट्स का पैसा भी वेस्ट हुआ और उस चीज़ की वजह से मैं इतना गुस्सा हो गया था मैं इतना टूट गया था कि मैंने डिटरमाइन किया था कि अगर किसी बच्चे की मैं हेल्प कर पाऊं तो मैं जरूर करूंगा तो इस वजह से हमने गूगल फॉर्म्स वगैरह निकाले थे एंड मैंने बहुत स्ट्रिक्ट अपनी टीम को गाइडलाइंस दी थी कि जितनी मदद कर सको जिसकी मदद कर सको कर लेना ठीक है एंड वी विल नॉट बी आस्किंग एनी मनी फॉर दिस तो यार बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों ने हमें उनसे कॉन्टैक्ट किया एंड इन पाँच यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज़ के बारे में मैक्सिमम हमारे पास क्वेश्चन आए थे क्वेरीज आई थी तो यार बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक हमें रीच आउट नहीं किया होगा कतरा रहे होंगे कहीं कुछ पैसा ना लग जाए ऐसा कुछ मैंने पहले ही बोला मैं नहीं लूँगा पैसा लेकिन फिर भी इस वीडियो में चलो मैं उन पाँच चीज़ों को डिस्कस कर ही लेता हूँ ठीक है ये पांच वो वाले यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं जो थोड़े बजट में भी आते हैं आजकल बहुत सारे बच्चे इनकी तरफ जाना चाह रहे हैं एंड आई डोंट नो लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं या बच्चे दूसरे बच्चों से बातें कर रहे हैं जो भी सीन चल रहा है लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स एंड बच्चों ने इनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी थी ठीक है इससे पहले कि मेन वीडियो में पहुँचे देखो इस बार का कट ऑफ तुम लोगों ने देख लिया है एंड री नीट की बातें चल रही हैं तो हमेशा की तरह मैं तुम्हें दोबारा बोलूंगा एम बी बी एस एब्रॉड हैज़ टू बी योर लास्ट लास्ट ऑप्शन एम बी बी एस एब्रॉड आपका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए अगर आप बहुत बार ड्रॉप ले चुके हो आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि आप प्राइवेट कर सको स्ट्रीम आपको चेंज नहीं करनी है और इस बार का कट ऑफ देख के अगर आप टूट चुके हो जैसा एन टी एन एम सी ने किया तभी आप इसकी तरफ बढ़ना और यार जैसा कट ऑफ़ गया है सिक्स थर्टी पर बच्चों का कुछ नहीं हो पा रहा है तो इसके हिसाब से तो भाई आई डोंट नो क्या होगा अगर रीनीट होता है तो आई वुड सजेस्ट टू यू कि रीनीट के लिए अच्छे से पहले प्रिपेयर करना ठीक है चलो अब आ जाते हैं मेन वीडियो में तो सबसे पहला और सुनो ये वीडियो बाकियों की तरह नहीं होने वाली है इस वीडियो में एक्चुअली तुम्हें मैं पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा बाकी लोग क्या करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव बोल देते हैं क्योंकि उनको कमीशन मिलता है ना अच्छा खासा हम वो नहीं करने वाले हम नेगेटिव पॉइंट्स ही बताएंगे ठीक है सबसे पहली यूनिवर्सिटी है नर्दन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नर्दन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे पहली बात तो डॉलर्स में पैसे जाते हैं ठीक है आपका पैसा जाएगा सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलरस के आसपास पर ईयर जैसा कि अब आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है यह है ट्यूशन एंड हॉस्टल को मिला के ठीक है दैट इज अप्रॉक्स फाइव पॉइंट फोर सिक्स लैक्स टोटल बजट यहाँ थर्टी टू से थर्टी थ्री लाख के बीच में रहेगा एट टू टेन लाख का पर्सनल एक्सपेंस यहाँ पे रह सकता है अब NSMU यानी कि नर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इसका कंपैरिजन देख लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स का ठीक है पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियंस है ठीक है इंडियंस यहाँ पे काफ़ी पहले से एडमिशन लेते आ रहे हैं जब से एम बी रशिया चालू हुआ था दूसरी चीज़ 2002 में इसका पहला बैच पास आउट हो गया था विच इज़ अ गुड थिंग जितने ज़्यादा बैच पास आउट हो जाए उतना अच्छा रहता है ठीक है इंडियन फैकल्टी यहाँ पे पाई जाती है यहाँ पर टाइप है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एज वेल well, ठीक है काफ़ी सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ है जिनके साथ इनका टाइप भी है इंटरनेशनल एक्सपोजर यहाँ पर मिल जाता है ऐसा वहाँ पर पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने बताया है ठीक है नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो नार्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया में तो ठंडा रहेगा ठीक है दिस इज़ वेरी कोल्ड बाकी कोई ऑफिशियल मेस यहाँ पे नहीं है लेकिन इंडियन के स्टूडेंट्स जो हैं सीनियर्स जो हैं आपके वो वहाँ पे खुद अपनी मेस चला रहे हैं तो आप उनको भी ले सकते हो ठीक है तो यहाँ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको कुछ पता चल गए अब आ जाते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसके बारे में बच्चों ने बहुत पूछा था यह है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस रहेगी वो रू रूबल में रहेगी रबल जिसे बोलते हैं ठीक है थीके? रबल भी बोलते हैं र्यूबल भी बोलते हैं जो बोलना है बोलो रशिया की करेंसी है ठीक है यहाँ पे क्या होगा ट्यूशन फीस आपकी फ़ोर लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड के आसपास रहने वाली है हॉस्टल आपका पंद्रह हज़ार र्यूबल के आसपास रहेगा अगर अवेलेबल हो पाता है तो ठीक है बाकी इसके अलावा थोड़ी बहुत आ, बाकी फीस भी होती है मिसलिनियस चार्जेस होते हैं जो यहाँ लिए जाते हैं जैसे मेडिकल हो गया वीज़ा एक्सटेंशन हो गया है ना डॉक्यूमेंट्स ए वगैरह हो गया बाकी पर ईयर की फीस की मैं बात करूँ तो दैट इज़ फाइव लाख थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड र्यूबल ठीक है टोटल आपका बैठेगा तीस लाख के आसपास ठीक है इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो 12 से 15 लाख के होते हैं अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो अब कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हम देख लेते हैं ठीक है पॉजिटिव पॉइंट ये कि यार एफ पासिंग रेशियो यहाँ बहुत अच्छा रहा है लाइक वन ऑफ द बेस्ट एफ पासिंग रेशियोज यहाँ देखा गया था क्लिनिकल एक्सपोजर बाकी से बेटर है तो दिस इज अ गुड थिंग नेगेटिव यहाँ देखने जरूरी हैं जो कि प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटीज यहां पर नहीं है तब यहाँ इफ अवेलेबल लिखा गया था ठीक है प्रॉपर मेस यहाँ पे नहीं है ऑल दो इंडियन टिफिन सर्विसेज एंड मेस मिल जाएगा लेकिन प्रॉपर मेस नहीं है ठीक है थोड़ी सी एक्सपेंसिव सिटी है अगर आप फ्लैट्स में रहते हो अपार्टमेंट्स में रहते हो तो 20 से तीस हज़ार रुपये पर मंथ रह सकता है ठीक है इतना खर्चा जा लेता है तो इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन लोकेलिटी डिपेंड्स कहाँ पे कैसे आप रह रहे हो अरेंजमेंट क्या है अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो कि नहीं तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बट इतना रहता है ठीक है अब आ जाते हैं थर्ड यूनिवर्सिटी में जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने पूछा था दैट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है दैट इज़ फोर लाख फोर्टी थाउजेंड रूबल पर ईयर ठीक है हॉस्टल फ़ीस की बात करूंगा दैट इज़ थर्टी सिक्स थाउजेंड रूबल पर ईयर एंड बाकी मिसलेनियस चार्जेस की बात करूंगा दैट इज़ ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास पर ईयर की अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज़ फोर लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रूबल ठीक है टोटल फीस की हम बात करेंगे दैट इज़ ट्वेंटी नाइन थर्टी लाख के आसपास बैठ जाएगा बस इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस आपको और जोड़ने हैं तभी मैं यहाँ बार बार पर्सनल एक्सपेंसेस मेंशन कर रहा हूँ ये जो आपके बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं ना जो एडमिशन दिलाते हैं आपके कंसल्टेंट्स हो गए एजेंट्स हो गए वो लोग आपको ये बताते ही नहीं है वो खाली ट्यूशन फीस बता देंगे ना आपको यहाँ पे मिसलेनियस चार्जेस बताएंगे ना अदर चार्जेस बताएंगे ना हॉस्टल बताएंगे ना पर्सनल एक्सपेंस बताएंगे फिर वो बोलते हैं यहाँ तो पंद्रह से अट्ठारह लाख में हम लोग करा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट लगा रहे हैं वो बस आपको चार्जेस बता नहीं रहे हैं जो बा, बाद में आपके सामने आ जाएंगे एज अ हिडन चार्ज तो वो आपको आपके लिए अच्छा नहीं होगा यार है ना क्योंकि सब लोग अपना बजट बना के एडमिशन लेते हैं अगर पैसा होता तो इंडिया में प्राइवेट कर लेते हैं है ना सब लोग अपना बजट देख के जाते हैं ना यहाँ वहाँ तो यार इट इज़ मच इंपॉर्टेंट कि आप ये सब चीज़ें देख के जाओ पहले ही ठीक है नॉर्थ वेस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा कि इट इज़ सिचुएटेड इन पीटर्सबर्ग ठीक है सेकेंड कैपिटल ऑफ मॉस्को यहाँ पे बोला जाता है फेमस यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट्स काफ़ी इसके बारे में आजकल पूछ रहे हैं एंड पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है यहाँ पर तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्लिनिकल एक्सपोजर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं लास्ट ईयर तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा भी नहीं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में लास्ट ईयर तक इट वॉज मैंशन कि ये बाय है दैट इज़ रशियन एंड इंग्लिश दोनों में पढ़ाई कराते हैं ठीक है लेकिन अब इन्होंने ये चीज़ हटा दी है तो ये चीज़ थोड़ी बताने वाली थी सतर्क करने वाली थी इसलिए मैंने तुम लोगों को बता दी सेकेंड चीज़ यहाँ पे इरेगुलर एडमिशन होते हैं मतलब दो साल पहले तक यहाँ एडमिशन नहीं हो रहे थे फिर सडनली अभी स्टार्ट हो गए तो रेगुलरिटी इन एडमिशन्स यहाँ पे नहीं रहता है ठीक है तो एक बार आपको देखना है कि एक्चुअली एडमिशन्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं ये सब आपको देखना पड़ेगा चौथी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे दैट इज़ क्यूबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अब क्यूबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे क्योंकि दिस इज विद इन बजट वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन में से एक ये रहता है ठीक है ट्यूशन एंड हॉस्टल फ़ीस यहाँ पे टू लाख नाइन्टी थाउजेंड रूबल है ट्यूशन एंड हॉस्टल मिला के है ठीक है अदर एक्सपेंसेस जैसे वीज़ा हो गया मेडिकल हो गया ये सब मिला के आपका ट्वेंटी थाउजेंड र्यूबल के आसपास रहेगा एंड पर ईयर की फ़ीस आपकी थ्री लाख टेन थाउजेंड र्यूबल रहेगी ठीक है सिक्स ईयर्स की अगर मैं बात करूँ या टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ जो पूरे एम में आपका लग जाएगा दैट इज़ एटीन लाख ट्यूशन एंड हॉस्टल प्लस पर्सनल एक्सपेंसिस आपको मिलाना है जो दस लाख ,00 के आसपास होंगे अब यही इसी की मैं बात कर रहा था जब आप बहुत सारे फेमस सो कॉल्ड एम बी बी एस एब्रॉड कंसल्टेंट से बात करते हो एजेंट से बात करते हो तो वो बस आपका पैसा लेने के लिए आपको ऑनबोर्ड कराने के लिए बोल देंगे हम तो यहाँ पंद्रह लाख अट्ठारह लाख में एडमिशन करा देंगे अरे पंद्रह लाख अट्ठारह लाख तो आपने बोल दिया यहां पर्सनल एक्सपेंस कौन बताएगा जो दस से बारह लाख का बैठेगा तो यही पंद्रह अट्ठारह लाख कल को आपके ट्वेंटी एट थर्टी लाख हो जाएंगे इसलिए यह जानना जरूरी है इसलिए हमने गूगल फॉर्म्स निकाले भाई बच्चे को एटलीस्ट पता तो चले पेरेंट्स को एटलीस्ट पता तो चले एक्चुअल ग्राउंड रियालिटी में कितना पैसा जा रहा है क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है भाई अगर कल को आपको डबल प्राइस वो लोग बोल रहे हैं लैंड होने के बाद तो इट इज़ नॉट वर्थ इट एंड इट इज़ रिकॉर्डेड ये बार बार होता है बहुत बच्चों के साथ होता है हमारे साथ भी हुआ था यार जब मैं फिलिपिनस गया था उन्होंने हमें एडवांस में बोला था कि तुम्हारा पंद्रह बीस लाख में हो जाएगा एंड टोटल एक्सपेंस हमारा सिक्सटी लाख प्लस जा रहा था तुम सोचो वहाँ रहना खाना इतना महंगा था वो उन्होंने कुछ नहीं बताया उसके बाद लैंड होने के बाद वो लोग लो डॉलर्स में हमसे पैसे लेते गए नाइन हंड्रेड डॉलर्स उन्होंने ले लिए थे तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर समवन हु इज़ अ मिडिल क्लास फैमिली भाई नौ डॉलर ऐसी थोड़ी कोई दे देगा मिडिल क्लास फैमिली वाला है ना तो ये चीज़ देखनी होती है अब क्यूबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव ये वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है जैसा कि मैंने आपको दिखाया याद रखना 15 से 18 नहीं है पर्सनल एक्सपेंस काउंट कर लेना ठीक है क्लिनिकल्स थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं वॉर्मर एरिया में है तो उतनी ठंड यहाँ पर नहीं है ठंड है उतनी नहीं है ठीक है ओनली फिफ्टी सीट्स फॉर इंडियन यहाँ ऑफिशियल रिकॉर्ड में रहती है नेगेटिव की बात करेंगे तो यहां पर बॉर्डर रहता है इसका शेयर जॉर्जिया और यूक्रेन के साथ डायरेक्ट नहीं है बट अप्रॉक्सीमेटी है यहां पर ठीक है अब आ जाते हैं आखिरी एंड इस लिस्ट में जिस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उस यूनिवर्सिटी के बारे में दैट इज़ यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अब उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस जो रहने वाली है दैट इज़ टू लाख सिक्सटी थाउजेंड रूबल्स के आसपास हॉस्टल फीस ट्वेल्व थाउजेंड रूबल है अदर चार्जेस जो यहाँ ट्वेंटी थाउजेंड रूबल के आसपास हैं पर ईयर की मैं बात करूँगा तो पर ईयर टू लाख नाइन्टी टू थाउजेंड पर ईयर यहाँ पर खर्चा आएगा ठीक है टोटल यहाँ पे 18 लाख के आसपास रहेगा पर्सनल एक्सपेंस अगेन 8 टू 12 लाख आपको जोड़ने हैं बार बार ये मैं एक वजह है क्यों मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ क्यों मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये जोड़ना ठीक है अब आ जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कशन में पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉपुलर लो बजट यूनिवर्सिटी है काफी सारे बच्चे काफ़ी सारे पेरेंट्स ने इसके बारे में पूछा आई थिंक मोर देन ट्वेंटी ट्वेंटी पेरेंट्स ने इसके बारे में हमसे पूछा था तो दैट इज़ वाई आई मेड दिस वीडियो इस वीडियो में जो जो यूनिवर्सिटीज़ हमने डिस्कस की है वो बहुत सारे पेरेंट्स ने उसके बारे में पूछा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके बारे में पूछा था तो इसलिए हमने डिस्कस की ठीक है सेकंड फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी है ये बस एक फैक्ट है मैंने डाल दिया ये कोई पॉजिटिव पॉइंट ऐस सच नहीं है बट ठीक है पॉपुलेशन ज़्यादा है अट्रैक्टिव सिटी है एज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स भाई स्टूडेंट्स को थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है थोड़ा एनवायरमेंट अच्छा है बिल्डिंग्स वगैरह अच्छी है थोड़ा एस्थेटिक्स ज़्यादा है ऐसा कह सकते हो अगेन पढ़ाई रिलेटेड तो नहीं है बट ठीक है यार अब पॉजिटिव बच्चों ने पूछा तो ये है पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे कंपेरेटिवली न्यू यूनिवर्सिटी है ठीक है सीनियर बैच यहाँ पे सेकेंड ईयर पे है ठीक है तो कंपेरेटिवली न्यू यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ से कोई पास आउट नहीं हुआ इसका मतलब ठीक है तो ये हमने पांच यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस कर दी इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले तीन चार मेरी बातें ढंग से सुन लेना पहली बात आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार हम खाली दस हज़ार कंसल्टेंसी में पूरा कर लेंगे नो no कंसल्टेंसी बस दस हजार दो हमसे बात करो हम बाकी चीज़ें कर लेंगे दैट इज़ अ ट्रैप क्योंकि लैंड होने के बाद दे विल एड अ लॉट ऑफ चार्जेस डॉक्यूमेंट अपल के लिए चार्जेस करेंगे मेडल के मेडिकल के लिए चार्जेस करेंगे मेडिकल बिल्स के लिए चार्ज लगा देंगे हॉस्टल ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्ज लगा देंगे पिकअप एंड ड्रॉप अप के लिए चार्ज लगा देंगे लंच डिनर मील्स के लिए हर चीज़ के लिए हर जगह वो चार्जेस लेने वाले हैं आपसे ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस बढ़ा के लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो डॉलर्स में लेते हैं डॉलर्स के नॉट बी ट्रेस्ड ठीक है तो इस तरीके से वो काफ़ी सारे पैसे आपसे लेंगे तो बी वेयर ऑफ दैट सेकेंड चीज़ बहुत सारे लोग आपको कंसल्ट करने के भी पैसे ले रहे हैं यार एम बी बी एस एब्रॉड के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉन्टैक्ट हमको इतना पैसा दो फिर हम आगे बात करेंगे अगेन क्या ज़रूरत है भाई इसकी मैं फ्री में तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ यूज़ इट ठीक है आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम यू आई जस्ट वॉन्ट कि भाई अगर तुम एम बी बी एस अब्रॉड जा रहे हो एज अ लास्ट लास्ट ऑप्शन तो तुम्हारा एटलीस्ट पेरेंट्स का पैसा वेस्ट ना हो अगर तुम इंडिया में एडमिशन ले पा रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड अगर तुम ड्रॉप लेने की सोच रहे हो दैट इज़ अमेजिंग लेकिन अगर तुम बाहर जाने का सोच रहे हो तो यार पेरेंट्स का ऐसे पैसा वेस्ट नहीं करना है तीसरी चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि नॉट एवरी यूनिवर्सिटी इज़ परफेक्ट हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता है पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट ज़रूर होते हैं वहाँ पर ठीक है एंड ये नेगेटिव पॉइंट्स ना तुम्हें वो एजेंट्स बताएंगे नहीं क्योंकि यार नेगेटिव बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनके आगे तो एक ऑब्स्टिकल आ गया ना कि यार नेगेटिव सुन के बच्चा भाग ना जाए बच्चा भागेगा तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा तो इसलिए नेगेटिव वो लोग डिस्कस नहीं करते हैं नेगेटिव जानना जरूरी है क्योंकि लेट से अगर तुमने मन बना लिया है भैया मुझे को जाना है आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट तो भी तुम मेंटली प्रिपेयर तो, तो करोगे अपने आप को कि यार ये आई हैव टू फेस इसलिए सब करना ज़रूरी है ठीक है एंड ये जो छोटे लोकल एजेंट्स होते हैं ना ये क्या करते हैं दे आर नॉट दी डायरेक्ट एजेंट्स जिनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशिय एम ओ यू साइंड हो यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो तुमको हैंड ऑफ कर देंगे अपने सुपीरियर्स के पास वो इंडिया की लोकल एजेंसी में करेंगे वो वहाँ की लोकल एजेंसी में करेंगे करते करते जितने ज़्यादा हिडन चेन्स हैं ना बीच में जितना ज़्यादा लिंक्स हैं वो सब पैसा खाएंगे तुमसे तो ये बहुत बड़ा बिजनेस होता है इनका तो थोड़ा बच के रहना ठीक है एंड एक बार तुम लो ऐसी लोग ऐसी डॉक्यूमेंट इन लोगों को जमा कर दो ना तो डॉक्यूमेंट वापस भी नहीं करते हैं मतलब मैं फिलिपिनस छोड़ के आया मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अभी तक वापस नहीं किए थे ठीक है तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड जस्ट स्टे सेफ आउट देयर एंड एमबीबीएस बी बी हैज़ टू बी ऑर लास्ट ऑप्शन आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी हम लोग मेंटोरशिप प्रोग्राम अपना चला रहे हैं हम लोग यूट्यूब में फ्री में बहुत सारी चीज़ें री अब लाने वाले हैं आप लोगों के लिए ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी मेरे एक्जैक्टली exactly पेपर्स चल रहे हैं यार तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम डिनोट कर नहीं पा रहा हूँ बट जैसे ही पेपर खत्म होते हैं हम सब कुछ बैक ऑन ट्रैक ले आएंगे ठीक है मैंटोरशिप तो चल ही रही है अच्छे से बाकी चिंता नहीं करनी है कुछ भी डाउट है नीचे मैंने लिंक डाल दिया है गूगल फॉर्म का वहाँ तुम जा सकते हो अगर तुम्हें कुछ और देखना है तो हमारी वेबसाइट का लिंक भी नीचे है वहाँ भी तुम ब्राउज कर सकते हो इफ़ देर इज़ वन परसेंट डाउट ना कि यार भैया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो गूगल फॉर्म भर दो सम वन फ्रॉम आर टीम प्रोबेबली अ डॉक्टर ठीक है प्रोबेबली नहीं डॉक्टर ही है प्रोबेबली डॉक्टर अनुभव हो जाएंगे डॉक्टर गौरव हो जाएंगे डॉक्टर वैभव हो जाएंगे डॉक्टर राकेश हैं डॉक्टर राजेश हैं है ना डॉक्टर ईशान हैं बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं जो अपना टाइम हमको दे रहे हैं ठीक है एक्चुअली वो डॉक्टर्स ना गाइड करने के लिए थे हमारे मेंटोरशिप वाले बच्चों को कि डॉक्टर की लाइफ कैसी है तो उन्होंने एक इनिशिएटिव अपनी तरफ से भी लिया कि यार बच्चे यहाँ बाहर जा रहे हैं तो हम पहले इन्हें बता दें कि हमारे साथ जो एफएमजी पास करके आए हैं वो लोग कैसे जी रहे हैं है ना ताकि बच्चों को एक ऑन ग्राउंड रियलिटी पता चले कीपिंग ऑल दैट इन माइंड अगर मैं मेरी टीम मेरे डॉक्टर्स हम लोग जो एक फैमिली के साथ तुम्हें अपना टाइम दे रहे हैं तो काइंडली कोऑर्डिनेट ठीक है रिस्पेक्टफुली बात करना जो भी तुमसे बात करे कोऑर्डिनेट करना अच्छे से रिस्पोंड करना टाइमली रिस्पोंड करना क्योंकि हमारा मोस्ट प्रेशियस चीज़ जो हम दे रहे हैं दैट इज़ टाइम पैसा तो हम मांग नहीं रहे है ना तो आई थिंक इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था तुम्हारी हेल्प करने के लिए लिटरली मैं तुम्हारी बात करा रहा हूँ इतने सारे लोगों से ग्राउंड रियालिटी तो मैं बता रहा हूँ तो इसके बाद सोच समझ के डिसीजन लेना मैं कभी नहीं बोलूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है मैं बस तुम्हें गाइड करूँगा सजेशन्स दूंगा दैट्स इट बाकी आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड थैंक यू